जनपद के कलेक्टरेट कार्यालयों में जिलाधिकारी निधि गुप्ता ने लागू की ऑफिस व्यवस्था। आपको बता दें कि जनपद अमरोहा की जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने बताया कि जनपद के कलेक्टरेट कार्यालयों में ही ऑफिस व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। सरलीकृत, उत्तरदायी, प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी कार्यप्रणाली होने के साथ साथ एक तरह से सरकारी काम में पेपरलेस व्यवस्था लागू की गई है। समय की बचत, दक्षता और कार्य में तेजी आएगी। त्वरित निर्णय लिए जा सकेंगे। अब लिपिकों द्वारा पत्रावलियों पर डिजिटल हस्ताक्षर कर पत्रावली प्रेषित की जाएगी, जिसका जिला अधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर कर अनुमोदन दिया जाएगा। फाइलों में हस्ताक्षर कराने के लिए मिलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डिजिटल हस्ताक्षर होंगे, उसी अनुसार पत्रावलियों का मूवमेंट होगा। शीघ्र ही यह व्यवस्था जनपद के सभी कार्यालयों में भी लागू की जाएगी। बताया, अधिकारियों की व्यस्तता के चलते पत्रावलियां कई दिनों तक लंबित पड़ी रहती हैं, जिससे प्रस्तावित कार्य समय से नहीं हो पाते हैं। अधिकारियों को निर्देश आदेश भी समय से नहीं पहुंच पाते। अब इन सबसे निजात मिलेगी, उसी के अनुसार पत्रावलियों का मूवमेंट होगा। बताया कि यह व्यवस्था कलेक्ट्रेट के संयुक्त कार्यालय IGRS, न्याय सहायक, दैवीय आपदा, भूलेख, राजस्व सहायक सहित अन्य कार्यालयों में सफलतापूर्वक लागू की गई है और संचालित हो रही है। कलेक्ट्रेट में ई ऑफिस प्रणाली शुरू हुई है। शासन के निर्देशों के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो, ईज ऑफ फाइल मूवमेंट हो और बेसिकली फाइल ट्रैक हो पाए, ताकि लोगों को सहूलियत हो और बार बार उनको चक्कर ना लगाने पड़े। इसी मुहिम के तहत जनपद अमरोहा में कलेक्ट्रेट में अभी ई ऑफिस शुरू हो गया है। सभी जो हमारे क्लरिकल स्टाफ हैं, जो हमारे अधिकारीगण हैं, उन सबके DSCs बन चुके हैं और कुछ हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए कंप्यूटर्स और नए परचेज कर रहे हैं, स्कैनर्स किए जा रहे हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि अब जनता को एक ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, एक क्विकर सिस्टम हम लोग देने का प्रयास करेंगे। पहले चरण में सिर्फ अभी कलेक्ट्रेट में इसको लागू किया जा रहा है, परंतु जैसे जैसे शासन के निर्देश मिलते रहेंगे तो बाकी के विभागों को भी इससे जोड़ा जाएगा।